नमस्कार प्रणाम, रेडियो सिटी 91.1 FM से मैं हूँ आरजे बरखा। और बरखा को जब कोई मिलता है तो बरखा पकड़ के उनको आपके सामने लेकर आती है आपसे मिलवाने के वास्ते। तो टेलीविजन हो, सीरियल हो, अभी जिन सर से मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप उन्हें देखोगे और खुद से कहोगे आय हाय बरखा तू कहाँ पहुंच गई रे सर। नमस्कार, रेडियो सिटी 91.1 के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बरखा जी की वजह से आप लोगों के सामने हूँ, मेरा सौभाग्य है। ऑल द बेस्ट बरखा जी। सर जहाँ देखो वहाँ पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं आप। कोई उससे डिफरेंट अगर कोई किरदार करने का मौका मिले तो आप कौन सा किरदार निभाना पसंद करेंगे? मैं कोई भी इमोशनल किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक बहुत इमोशनल इंसान हूँ एक्चुअली। और हर आर्टिस्ट होता है वो किसी भी फील्ड में हो, पेंटर हो या शायर हो, वो इमोशन से ही जुड़े होते हैं हम लोग। लेकिन मेरी शक्ल क्योंकि थोड़ी सी ऐसी हार्ड सी दिखाई देती है, शायद इस वजह से मुझे हमेशा पुलिस ही बनाया जाता है। सर एक तारीफ करना चाहूंगी, आप जब बात कर रहे थे मैं आपको देख रही थी, आपकी आंखों में एक चमक है, चेहरे पे एक नूर है। लड़कियों का नॉर्मली फेशियल के बाद ही आता है आपकी खूबसूरती का राज। जो आप लोगों का प्यार और दुआएं मिलती रहती है शायद वो हो सकता है। और मैं थोड़ा एक्सरसाइज पे ध्यान देता हूँ, योग करते रहिए। 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था इंटरनेशनल योगा डे, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मैं भी बनाया हुआ हूँ और बहुत स्वस्थ रहिए आप सब। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। दो लाइन कुछ कहना चाहेंगे हमारे वास्ते? हाँ हाँ हाँ, आपके पास क्या कहूँगा आपको, आपकी तारीफ मैं कहना चाहूंगा। बड़ी खूबसूरत ईश्वर ने आपको आवाज दी है और ये हमेशा इसी तरह सुरीली बनी रहे, आप बहुत तरक्की करने में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।